हर 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं प्रथमे गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश तृतीय सिमिरोमा शारदा मेरे कंठ करो नमो नमो माता पिता के जिन से भया शरीर नमो नमो गुरुदेव की जिन दिया भजन लाल देह लाल से हरिधर लाल लंगो वज्र देह शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हा लज्जा सबकी राखियो शिव बैलन वसवा चंद्र तपे सूरज तपे उद्गण तपे आकाश इन सबसे बढ़कर तपे सतियों का जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो वस्तुते तो जय 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 श्री श्याम की विनय करो कर जोड़ और भूल क्षमा कर दीजिए देख भगत त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव जिंदा तो है ही इसकी कृपा से अभी तक बचे का मतलब कितने चार बजे तक बचे हो उसके माने आप पर विशेष कृपा हो तभी बचे हो यहाँ
और इस कृपा को ये कृपा आगे भी बनी रहे, अगले किसी कीर्तन में भी बनी रहे, ताकि बुजुर्गों की बात सिद्ध हो कि तेरा रथ जगा करांगा बाबा। भवन्ना पुराना जमाने में मैं तो नया पंछी हूँ 30-35 साल, लेकिन 35-40 साल पहले जब काम अटकते थे तो घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं दादाजी दादी जी बोल दिया करता, पापा तेरा रज्जगा करूंगा, माता जी तेरा रज्जगा करांगा, कृपा कर दे, और बोलने मात्र से काम हो जाए करते, है ना। मैंने कभी नहीं बोला, पता नहीं उस दिन चौधरी साहब को कैसे बोल दिया कि कीर्तन दिन का मत करो रात का करो। अच्छा लगता है रात जागना, आप भी सारी रात जगे और मैं तो दो रात जग रहा हूं, कल भी सारी रात जगा था और आज भी सारी रात जगा हूं और आने वाले कल की भी सारी रात जगना है। बहुत कृपा होती है, पता नहीं चलता, हम सोचते कि हमने कर लिया लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि हम 4 बजे तक कीर्तन कर रहे थे, उसके कारण ही अटका हुआ काम बन गया। प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। मैंने अभी इस दरबार में तुरंत देख लिया, आपको मैं आया, शीतल भाई गा रहे थे, ये प्रोटोकॉल था और ये कलकत्ता में होता है, दिल्ली के महाराज हैं हमारे चाचा, दिल्ली में गणेश जी हनुमान जी और श्याम जी सीधा, बाकी सभा बोलो तो करो, बाकी लेकिन कलकत्ता में नियम है, क्योंकि जो हमने बुजुर्गों से सुना कौन दिया कि आखिरी दरवाजे जो है भारत कुल देवता ने कुल देवी ने नाराज कर कहीं ना कुछ होगा, कोनी काम बढ़ा हुआ कोनी बढ़ा, सारे देवी देवताओं को मनाकर कहीं भी जाते हैं। मैंने सोचा कि आप लोग भी बोर हो जाओगे, मैं प्रोटोकॉल ऐसे ही फॉलो कर रहा था, अटक गया भोलेनाथ के बाद, याद ही नहीं आया, दोहा ही याद नहीं आया, कान पकड़े ये महाराज श्याम बाबा को अगर माइक पे भजन सुनाना है तो और देवी देवताओं को भी माइक पे ही बनाना पड़ेगा, ये प्रोटोकॉल है। तो वैसे ही ये भी एक प्रोटोकॉल में ही आता है कि आप दरबार में बैठ कर कहीं और कुछ सोचोगे तो जिस दिन इसकी दरकार होगी ये भी कहीं और सोचेगा, इसलिए अगर चाहते हो कि आपकी तरफ हमेशा नजर रखें तो अपनी नजर भी आ जा कहीं और मत रखना, सिर्फ श्याम की तरफ रखना, बोल साचे दरबार की जय। जी कोई भी अगर इस दरबार में ऐसा बैठा है जो परेशान है, चिंता नहीं करो, ये लाइन सुनो और इसी लाइन पर विश्वास करके यहां से घर जाना, बस उसके बाद चिंता ये करेगा आप लोग को जाओ। और कौन सी लाइन आता रहा है सा पड़ेगा।
अब कौन कौन इसके सामने दीनहीन बन सकता है? हाथ मत उठाओ, हाथ मत उठाओ, लेकिन तालियां बजा करके जो कंधे पर हाथ
अरे हालात से जो हार कर दरबार आ गया, हालात से जो हार कर दरबार आ गया, जिद कर लेगा।
चीज और बताऊंगा। देखो अंतरात्मा की बात है, फूलों से ला दो तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पर एक माला ही कतल कर रही है। फूलों से ला दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फूल पैदा करने वाला ही इसको क्या, ये क्या चाहता है, मुझे क्या सौ पचास माला पहना दो, नहीं। यहां का होता है, यहां से होना चाहिए बस। आइए प्रेमियों, सच बताऊं कलकत्ते के अंदर में लॉकडाउन के बाद अगर 4 बजे इतने प्रेमी है तो लग रहा है कि अब कोरोना नहीं रहेगा। Shoot!
और मेरे पास कुछ नहीं था कर दिया। कोई ये समझे कि 4000 की शिफ्ट के लिए बनवाया नहीं, 4000 की शिफ्ट के लिए नहीं बनवाया। मैंने खर्चा किया होता तो मैं 4000 का रिटर्न सोचता, उसने बनाया है। जैसे रवि भैया लोगों का खुली खटखटा देते हैं ना रात को 12:30 बजे 1 बजे, मैंने भी बाबा से कहा था कि मुझे भी खुली खटखटानी है, बोला खुट्टी नहीं खुन्ना खटखटा। Ah!
इसके अलावा कुछ है ही नहीं। Thank you.
बाबा का जो ये स्वरूप है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लगता है, लेकिन पता ही नहीं कि आप इसके क्या है, नहीं मालूम क्या। बहुत दयालु आंखों से अमृत बरस रहा है, मैं कोई कहानियां नहीं कर रहा, कहानियां नहीं कर रहा, जो मुझे लग रहा है वही कर रहा हूं। आपको नहीं लगे तो आपकी मर्जी है ना, मुझे लग रहा है और मैं सुना देता हूं, आपको नहीं लगे तो मत सुनाना, आपको लगे तो आप भी सुना लेना, है ना। क्या सुनाओगे? दयालु तुम्हारी I'm
Thank you.
शरणों में थोड़ी जगह चाहता हूं, ले लो शरण में शरण चाहता हूं, विश्वास ऐसा तेरा चाहता हूं। और आज ये सब कुछ मिल जाए उसके बाद आखिरी ख्वाहिश
आज एक प्रेमी ऐसे दरबार में खड़े, राजू भैया को अभी नजर आया, मुझे वही नजर आ गए थे, दीपू भैया मेरे बीच खड़े होकर देखो भजन सुन रहे हैं। जबकि मैंने कभी नहीं देखा इतनी रात को इनको कीर्तनों के अंदर, आज पहली बार देख रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे प्रेमी हैं प्रभु के, बाबा के दीवाने, दीवानगी ही देखता है और कुछ नहीं देखता भाई, सिर्फ दीवानगी देखता है। आइए एक और पुराना भजन, let go।
पार नहीं लिया, लगा नहीं पड़ेगी।
मेरी सीएम से पहचान है, कोई कहता मेरी पीएम से पहचान है, मैं कहता हूं जिसने सीएम और पीएम बनाए मेरी उससे पहचान है। जो दिखता नहीं और कभी करके जताता भी नहीं और सामने आता भी नहीं, कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है, यहां चले जा वो मेरा बंदा है ना, उसमें पड़ जाता है और आपकी लाज बचा जाता है। ज़माने के मालिक मेरी Thank you.
Yeah!
अगर तू है साथी ना थे
सुनो आज जो आया उसको लेकिन
दिल से बोले जब मैंने उनको बताया
Ugh!
Oh,
पंडे इसलिए कम जाते थे, आज ज्यादा इसलिए आज ज्यादा जाते हैं। चिन्हाड़ चिन्हाड़ उन मूर्खों को ये नहीं मालूम है, पहले जितने थे उनकी औलादों पे चबूले 18-18 साल तक नहीं उतरते थे। ठीक बात, चोटियां लटकती थी, 18-18 साल तक चबूले नहीं उतरते थे। उन मूर्खों को ये नहीं मालूम है, गांव को गड़गड़ा रहे चिन्हाड़ चिन्हाड़ कर, पहले कम थे आज इसलिए कम जाते थे, आज ज्यादा इसलिए ज्यादा जा रहे। कृपा नहीं हो रही है बाबा, संख्या बढ़ी है इसलिए जा रहे, बाबा की कृपा नहीं हो रही इसलिए नहीं जा रहे। कहाँ हो, कहाँ हो, क्या बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो और क्या सुन रहे हो, बोलो दादा, बोलो बोलो आप बोलो। ये मैं पहले 15-15 साल तक जाकर गुरुदेव का होया करता, छोरों का जोड़ो करवाना लड़ाई घर यहाँ का होया करता कि जानो खुद को खूब फट बहुत मुश्किल बोली जा पाता, जयपुर वाले नहीं पहुंच पाते थे। आज जिनका कुल देवता नहीं है ना वो भी दौड़ के जा रहा है, पता है क्यों, एक बार जा रहा है 100 बार का लेकर आ रहा है। पहले अगर 40 साल पहले अगर 30 करोड़ जनता थी तो 30 करोड़ के अंदर में 40 साल पहले का इतिहास बताता है कि फागण की ग्यारस पर मेला पहली सीढ़ी तक भरता था, या मेला सामने सीढ़ी के सामने हनुमान जी के सामने जो बैरिकेडिंग है वहां तक मेला भरता था, हजार लोग होते थे, 30 करोड़ में हजार। उन मूर्खों को कैलकुलेशन नहीं मालूम है 30 करोड़ में हजार कितना परसेंट होता है और 130
बहुत बहुत आभार आपने इतना समय दिया इतने गुरुजनों के बीच में और आप सबने मुझे इतनी देर झेला है मुझसे बेसुरे को इतनी देर झेला है आपका तहे दिल से धन्यवाद जय श्री श्याम बाबा सबका मंगल करे जय श्री श्याम के लिए जोरदार हमारे संजय भैया का संवाद हमारे जोरदार ताली से स्वागत है बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण कपूर गौरम